हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं अदील हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ भाई, इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यार इस दफ़ा छोटे चिक्स तो मैंने पाले नहीं, मेरे पास छोटे चिक्स तो है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने नेयर टू सेल्फ वाला बच्चा जो है वो सामने रखा हुआ है। अच्छा, अक्सर होता क्या है कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं और पेट लवर ऐसे हैं जिनके पास 50% 60% बच्चा सेल्फ पे आते हुए मर जाता है। तो उसकी क्या वजह होती है, सेल्फ पे प्रॉपर बच्चा कैसे लाया जाता है, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह ये वीडियो जो है रिंगनेक और पहाड़ी पालने वाले जो उनके लिए काम आएगी। फिर ग्रे पैरेट की मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा तो ग्रे पैरेट की मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले यार जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलते हैं भाई, देखें होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको 3 टाइम फीड दी जाती है, कुछ बच्चों को 4 टाइम फीड भी दी जाती है। क्रॉप देखा करें, क्रॉप खाली हो गया उसको फीड करा दें। कुछ तोते 4 घंटे में हजम करते हैं, कुछ 3 घंटे में, कुछ 6 घंटे में, कुछ 5 घंटे में। तो हर इंसान का जैसे हाजमा अलग होता है, इसी तरह से पैरेट का भी अलग होता है। जो जल्दी ग्रो करते हैं उनको खाना जल्दी हजम होता है। अब ये पट्ठा दिख रहा है आपको, ये सेल्फ पे आ चुका है, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा जब बच्चा हो, दुम वुम निकल गई हो, डंडी पे बैठ रहा हो, सही है, तो फिर उसको आपने क्या करना है कि सबसे पहले उसको अगर वो 4 टाइम पे था तो 3 टाइम फीड पे लाना है। सही है, 4 टाइम पे कैसे था, सुबह दोपहर शाम और रात। तो आपने उसकी क्या करनी है, सुबह की फीड बंद कर देनी है। सही है, सुबह की फीड आप बंद कर देंगे, सुबह में आप उसको चना, काला चना जो हम खाते हैं, काला चना भिगो के रखेंगे पानी में, थोड़ा सा वो रखेंगे, मटर के दाने डाल देंगे, लौकी डाल देंगे या खीरा डाल देंगे या कोई फ्रूट डाल देंगे, और एक तरफ पानी भी रख देंगे और मिक्स दाना भी रख देंगे। सही है, एक बर्तन आप एक्स्ट्रा खरीद लीजिएगा क्योंकि मैंने दाना ज़्यादा बता दिया है, एक बर्तन एक्स्ट्रा खरीद लें, वो जहाँ तोता डंडी पे बैठ जाता है वहाँ लगा दें। क्योंकि होता क्या है कि तोता अक्सर डंडी पे से उतरता नहीं है, तो वो भूखा वहीं बैठा हुआ खाना मांगता रहता है आपसे, जबकि आप अगर डंडी हटा दें या बर्तन लगा दें तो वो आराम से खा लेगा, उसके मुँह के पास होगा। सही है, अब जब आपने सुबह की फीड उसकी बंद कर दी, जो दोपहर की फीड है आपने 1-1 घंटा दोपहर की फीड को पीछे लेके जाना है, डेली 1 घंटा, डेली 1 घंटा। जब दोपहर की फीड उसकी शाम पे चली जाएगी तो आपने दोपहर की फीड भी बंद कर दी, ये 1-1.5 हफ्ते में दोपहर की फीड भी बंद हो जाएगी। फिर इसी तरह से आप शाम की फीड को 1-1 घंटा पीछे लेके जाएंगे, शाम की फीड रात पे आ जाएगी। ठीक है, तकरीबन 10 दिन का प्रोसीजर ये भी होगा। फिर आपकी रह जाएगी लास्ट रात की फीड, 15 से 20 दिन के अंदर जो है तोता आपका सेल्फ हो जाएगा। लेकिन यहाँ गलती क्या करते हैं लोग कि एकदम फीड बंद कर देते हैं, मतलब ना सुबह दे रहे हैं, ना दोपहर, ना शाम, ना रात। उससे क्या होता है, तोता कमज़ोर हो जाता है, वो फीड मांगने के काबिल भी होता है तो भी नहीं रहता, 2-4 दिन में वो भूख से मरने लगता है। वो कुतर रहा होता है तो वो समझते हैं कि खा रहा है। थोड़ा क्रॉप में भी चेक करा करें, ये 60% वेस्ट करते हैं, 40% खाते हैं। तो भुट्टा ये शौक से खाते हैं जिस टाइम इनकी ये सेल्फ पे आ रहे होते हैं, काला चना ये शौक से खाते हैं, सेब वगैरह, लौकी, खीरा ये शौक से खाते हैं। तो ये चीज़ें आप इनको दें जिस टाइम पे ये सेल्फ पे आ रहे हो। और अगर आप तीसरा बर्तन एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे तो पिंजरे की डंडी हटा दें। सही है, तो इस तरह से जो आपका बेबी पैरेट सेल्फ पे आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए रिंग नेक हो गए और जिनके लिए पहाड़ी हो गए। अब अगर मैं ग्रे का भी आपको बताऊंगा तो ग्रे की टेल बड़ी नहीं होती है, ग्रे की टेल होती है छोटी। तो ग्रे का बच्चा दिखाऊंगा कि किस बच्चे को सेल्फ करना होता है, ये मैंने आपको पहाड़ी का दिखा दिया है। जब पहाड़ी के बच्चे की, इधर आओ बेटा, आ जाओ, उड़ना नहीं, पहाड़ी के बच्चे की जब इतनी टेल निकल जाए तो समझे आप उसको सेल्फ पे लाना शुरू कर दें। सही है, अभी तो ये बड़ा हो गया है, 5 महीने का हो गया, लेकिन 3.5-4 महीने का जो बच्चा है। अच्छा ये नहीं, अक्सर होता क्या है कि जो सेल करने वाले हैं वो भी एज गलत बताते हैं। अक्सर मुझे लोग वीडियो भेजते हैं, हमारे पास पैरेट है 4 महीने का, दिखते हैं वो 2 महीने का है, कवर्ड हो जाएगा ऐसे, फुल उसके फेदर्स आ जाएंगे, परवर पूरे निकल जाएंगे, उड़ने के काबिल हो जाएगा, तो वो 3.5 से 4 महीने का होगा जब ही आपने उसको सेल्फ पे लाना है। तो उम्मीद करते हैं सेल्फ फीडिंग वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें और हमारे प्यारे प्यारे पैरेट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।